हेलो दोस्तों, देखिए आज मुझे ये बक्सा मिला है। ये मेरी दादी सास और दादा सास के टाइम का है। यहाँ पे ऐसे लॉक होता है, ये खोलने के बाद अंदर यहाँ पे घड़ी रखते हैं और इसको फिर दीवार पे टांग देते थे। ये हुक है पीछे दीवार पे लगाने के लिए। तो आज ये बक्सा हम रिनोवेट करेंगे। यहाँ पे फ्लैश का जैसो मैंने लिया हुआ है। फ्लैश का जैसो बहुत अच्छा होता है, उसमें थोड़ा शाइनिंग होता है। ये फ्लैट ब्रश लिया है मैंने। फ्लैट ब्रश से मैं पूरा जैसो पहले अप्लाई करूँगी। दोस्तों, जैसो से क्या होता है कि किसी भी आर्ट वर्क को एक बेस मिल जाता है, कलर को बेस मिल जाता है, फिर कलर ज़्यादा सोख नहीं लेता है। लकड़ी हो, कैनवास हो, जो भी चीज़ हो, वो कलर को कम सोखता है और प्लेन कलर बैठते हैं, इसलिए जैसो अप्लाई करना ज़रूरी होता है। पूरा बक्सा मैंने जैसो कर लिया है अंदर बाहर, और चॉक पेंट अभी यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का चॉक पेंट लिया है क्योंकि मेरा पहला कलर भी ब्लू था, इसलिए। देखो, ऐसी पुरानी चीज़ों से कई बार हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन्हें फेंकना नहीं चाहिए, इन्हें संभाल के रखना चाहिए, और इनको अगर अच्छा बना सकते हैं तो अच्छा बना के रखना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये आगे वाला जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा लाइट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर लेके शेड अप्लाई किया है। और अगर आपको एक बार कोट करने के बाद ऐसे लगता है कि कलर बहुत पतला है, तो आपको सेकेंड कोट उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अभी इसमें शेडिंग हो गई है अच्छे से। बीच में भी हम लोग थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है, पुराना बक्सा वगैरह, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और मेरे वीडियो से कुछ आपको आइडिया आई है तो ज़रूर आप वैसा आर्टवर्क बनाइएगा। यहाँ पे मैंने कलर निकाले हैं और 6 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया है। डार्क, लाइट और येलो, ऐसे सब शेड्स मैंने निकाले हैं, और फ्लोरल वर्थ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखो, प्रीवियस वीडियोस में जैसे मैंने बताया है आपको कि वाइंस कैसे बनाते हैं, स्ट्रोक चीज़ल पे कैसे चलाते हैं, उस हिसाब से मैं जस्ट सर्कुलर मोशन में चीज़ल पे स्ट्रोक्स चला रही हूँ। ऐसे ही आपको करना है। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए ताकि आपको पता चले अच्छे से कि मैं ये काम कैसे कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है, तो आप समझ पाएंगे कि ये कौन सी आर्टवर्क है और इसे कैसे करते हैं। अब हम लोग जस्ट पहले लीव्स ऐड करेंगे रैंडमली। हमें जहाँ तक वर्क करना है वहाँ तक हम लोग पहले लीव्स ऐड करते जाएंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर फ्लावर्स ऐड करेंगे। अगर आपको कोई दूसरा आर्टवर्क आता है तो आप वो भी इसके ऊपर कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो और मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। जस्ट पहले हाफ सर्कल तक ही मैं बना लेती हूँ, फिर बाद में देखते हैं। अगर हाफ सर्कल तक अच्छा लगा तो उतना ही रखेंगे। ये रेड कलर मैंने लिया है, और अभी मैं रेड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन लेके रोज़ बर्ड्स बनाऊंगी। यहाँ पे फ्लोरल वर्थ बनाने का मैं सोच रही हूँ, तो मिक्स फ्लावर्स हम लोग ऐड करेंगे इसके बीच में। पहले अभी मैं रोज़ ले रही हूँ, फिर थोड़े से डेज़ी, थोड़े से फाइव पेटल फ्लावर, ऐसा हम लोग ऐड करेंगे इसमें। ये भी एक बाजू में रोज़ बर्ड बनाया दूसरा। और दोस्तों, जैसे एक साइड में वर्क करेंगे ना, सेम वैसा ही दूसरे साइड में। देखो, यहाँ पे मैं अगर रोज़ बना रही हूँ तो लेफ्ट में भी मैं यहाँ पे रोज़ बनाऊँगी, तो थोड़ा सिमेट्रिकल लगेगा, वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है आर्टवर्क अपना। देखो, यहाँ पे सेम वैसा ही मैं रोज़ बड़े बनाऊँगी।
यहाँ पे मैं येलो और वाइट का डेजी फ्लावर ऐड कर रही हूँ। डार्क पर्पल यूज़ करेंगे, लाइट पर्पल यूज़ करेंगे। डार्क पर्पल से हम लोग थोड़ा बेस बना लेंगे और हाइड्रेंजा फ्लावर का हम लोग बंच यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी मैं लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ वाइट का। छोटे छोटे पेटल्स ऐड करेंगे, जैसे मैंने हाइड्रेंजा फ्लावर आपको सिखाया है वही टेक्निक में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। बाद में इसको कंप्लीट करते जाना है। देखिए इतना ही बनने के बाद वो बहुत प्यारा दिखने लगा है। जस्ट मैं स्ट्रोक्स ऐड कर रही हूँ चीज़ल के ऊपर, रखना है और पीछे की तरफ उसको प्रेस करना है। पहले लाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, ऐसे तीनों शेड्स मैंने एक के बाद एक अप्लाई किए हैं। और अभी ग्रीन और येलो के साथ में उसको कवर कर दूंगी। सेम ये साइड में भी मैं अब फ्लावर बनाऊंगी। अभी यहाँ पे थोड़ा स्काई कलर लेके 5 पेटल फ्लावर बनाएंगे। और पूरा ये होने के बाद हम डिटेलिंग ऐड करेंगे। फ्लावर्स के जो सेंटर होते हैं वो सेंटर्स बनाएंगे तो पेंटिंग में अपने जान आ जाएगी। जितना हम डिटेलिंग ऐड करते जाते हैं ना उतनी पेंटिंग में जान आती चली जाती है। बस मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसके ऊपर नहीं काम करूँगी, इतना ही रखूँगी इसको। डार्क पर्पल मैं यहाँ पे थोड़ा निकाल रही हूँ कलर। अभी इसका सेंटर हम लोग ऐड करेंगे। हर एक फ्लावर का सेंटर अलग होता है, जैसे डेजी है, सनफ्लावर है, तो उनका जो सेंटर पोर्शन होता है वो अलग होता है, थोड़ा थिक होता है और क्राउडी लगता है। बाकी फ्लावर्स का, अभी हाइड्रेंजा है तो उसके बीच में छोटे छोटे सर्कल्स रहते हैं, तो उस हिसाब से हर एक फ्लावर को हम लोग उनके हिसाब से सेंटर ऐड करते जाएंगे। अब छोटे छोटे वाइन्स ऐड करेंगे, डॉट्स देंगे बीच में। अभी मैंने यहाँ पे देखो 0 नंबर का ब्रश अप्लाई किया है और रोज़ के अंदर का जो पोर्शन है वो कवर किया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी इसके ऊपर का पोर्शन बाकी है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये है इसका फाइनल लुक, बहुत प्रीटी लग रहा है। ये ऊपर वाला हिस्सा